मौजूद, मेरे साथ हरियाणा सरकार में शहरी निकाय मंत्री आदरणीय कमल गुप्ता जी, जननायक दुख के साथी निरंतर आपके बीच में रहने वाले चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप धानक जी, हमारे बीच में मौजूद आपके भावी विधायक भाई भव्य जी, पार्टी के संगठन के सचिव राजेंद्र रेताड़ी जी, हमारे माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहसिन चौधरी जी, बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष भाई कृष्ण गंगवा जी, आपके जिला के अध्यक्ष भाई रणधीर पनियार जी, रमेश गोदारा जी, मास्टर ताराचंद जी, भाई शिव कुमार जी, सेल्फ जी, हमारे हल्का अध्यक्ष मास्टर भीम जी, मंच पर बैठे दोनों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और बाल संबंध की इस पावन धरा पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, मैं तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि निरंतर इस उपचुनाव को पहले दिन से लेकर आज तक गठबंधन के तौर पर आप सभी ने पूरी मेहनत के साथ संभालने का काम किया और अब तो 72-78 घंटा बाकी है और अगले 72-78 घंटे में जीत को जो आपनो मार्जिन है भी ने कितनो बढ़ाओ जो रहा है वो भरपूर रहा, चाहे 1972 के अंदर आज से 50 साल पहले चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी आमने सामने लड़े, मगर उस दौरान से लेकर राजनीतिक दूरियां जरूर रही, मगर आप सब ने अपने जोश जब स्वर्ग लड़े थे और हिसार लोकसभा के उस समय भिवाणी लोकसभा का पार्ट आदमपुर था, वो भी एक स्वर्णिम दौर है कि एक तरफा बहुमत से आपने आदमपुर की सीट डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी को जिताकर देने लगा। कुलदीप जी के विरुद्ध में मैं लड़ा तो भी आदमपुर के अंदर कभी ऐसे मतभेद देखने को नहीं मिले जिसने राजनीतिक गहराइयां बढ़ाने का काम। साथियों, मुझे वो दिन भी याद है 2019 का, जब विजेंद्र सिंह जी हिसार लोकसभा से सांसद बने, जननायक जनता पार्टी बड़ी बनी थी, मैं दूसरे नंबर पर रहा और काउंटिंग के अंदर भव्य वहां साथ था, वो तीसरे पर रहा, मगर समय बड़ा बलवान होता है। विजेंद्र जी लोकसभा में गए, उचाणा के लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा, आज मैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी सेवा कर रहा हूं और भव्य को आज ये मौका मिल रहा है कि ये आपका उम्मीदवार बनकर विधानसभा में आदमपुर का नेतृत्व करने का काम है।
साथियों, इस मौके को आपने आगे लेकर चलना है और इस मौके को जब भी हम आगे लेकर जा पाएंगे, जब इस गठबंधन को मजबूती के साथ आदमपुर से जिताने का काम है। साथियों, पिछले 3 सालों के अंदर निरंतर बड़े उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले सरकार के तौर पर। कोरोना जैसी महामारी आई जिसने कई कई देशों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। महाराष्ट्र में तो यह हालत थी कि हजारों मौतें दिन प्रतिदिन हो रही थी, पर हरियाणा सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ प्रदेश की कमान को संभाला, उस व्यवस्था को बनाया और उस कोरोना महामारी से, चाहे पहले दौर की थी, दूसरे दौर की थी, तीसरे दौर की थी, हरियाणा को बर्बाद नहीं, हरियाणा को प्रगति के पथ पर लाकर आबाद करने का काम किया। आज उसका नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 1 साल में 30,000 करोड़ का हमने नया निवेश लाने का काम किया। मारुति जैसा 10,000 गाड़ियां बनाने का पहला, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट अगर कहीं स्थापित हुआ तो हरियाणा प्रदेश की खरखोदा की धरा पर हमने लाने का काम किया। और यह प्रयास रुक नहीं रहा। अभी पिछले दिनों हमारी कैबिनेट ने पद्मा योजना को हरी झंडी दिखाई। आज गांव लेवल पर 25, 50, 100 एकड़ का अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर या पंचायत के तौर पर हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहे तो फिर 60 से लेकर 85% तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट सरकार दे। ये रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोग तो हमें कोसते रहते हैं, किसान आंदोलन से बुरा वक्त तो नहीं देखा होगा। राजनीतिक तौर पर हर रोज ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे आरोप लगाते थे, पता नहीं किसानी के लिए हमने आज तक एक कदम नहीं उठाया। साथियों, मैं परसों रिव्यू लेके आया, हमने जीरी की, बाजरे की, दालों की और 1 तारीख से तो कल से मूंगफली की खरीद हरियाणा प्रदेश में शुरू कर रखी। कोई आज से पहले मंच से खड़ा होकर कहता था कि हमने इतना पैसा किसान के खाते में भेज दिया, आज मैं गर्व से कह सकता हूं 2 साल हो गए मंडियों में पीपे पीटे हमारे खिलाफ कि किसान के खाते में पैसा न दो, आड़ती खत्म हो जाएंगे। हमने किसान को पैसा देना शुरू किया और जब किसान के खाते में पैसा गया तब किसान को असली लाभ उसका मिला। मैं अगर बालसमंद की बात करूं तो मैं कल आंकड़ा निकाल रहा था कि बालसमंद में ऐसे कौन कौन से किसान है जिसको लाभ मिला, और हैरानी की बात है हमारे मनोज गोयल पुत्र प्रयाग गोयल ये 10 दिन पहले बाजरा मंडी में लेके गए 57 टन और इनके खाते में हरियाणा सरकार ने अगले दिन 1,05,700 रुपया ट्रांसफर कर दिया था। आपके गांव का वीरेंद्र सैनव रामचंद्र ये चना लेके आया पिछली फसल में 3,09,000 रुपए इसके खाते में ट्रांसफर हुआ, चेक करवा लेना। आपके गांव का महेंद्र सनव दयानंद मूंग लेके आया 1,82,000 रुपए उसके खाते में, और तो और धर्मवीर का हस्तेंद्र और जगत का श्रवण ये गेहूं लेके आए और इनके खाते में 6,00,000 रुपए हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर करने का काम किया। बुजुर्गो युवा साथियों, छोटा नहीं होता 6,00,000 रुपए गरीब आदमी के खाते में एक साथ आना। पहले तो 1 महीने DFSC पर्ची नहीं काटता था, अगर पर्ची कट जाती थी तो आड़ती कहता था आज देने को नहीं है, और उसको 6 लाख के बदले कोई 2 लाख देता था, 1.5 लाख देता था, 3-3, 4-4 चक्कर लगवा कर उसके खाते के अंदर
पैसे डलवाने का काम करता था। इसी तरीके से अगर फसल खराब होता था तो मुआवजे की मांग लेकर किसके पास जाओ, और बाल संबंध वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कितना लंबा धरना बाल संबंध में चला, खेड़ी चौपटा चला। मेरी आपकी सरकार की सोच थी, जहां पटवारियों की कमी थी उसका नुकसान किसान को ना हो जाए, हमारी सरकार ने निर्णय लिया। और कोई बोलता हो कि हमारा मुआवजा नहीं आया, ये रहा आपके नायब तहसीलदार के खाते में 29,66,00,000 रुपया हरियाणा सरकार ने भेजने का काम किया। ये तो मजबूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ कि किसान के खाते में आज पैसा नहीं भेजा जाता। पर ये तो 6 तारीख की बात है, 7 तारीख को आपके खाते में पूरा पैसा भी हम भिजवाने का काम करेंगे। साथियों, आज विकास की बात करें, आजमपुर के चारों ओर बड़ी समस्या रहती थी कि अगर दड़ोली रोड जाओ तो फाटक बंद, अगर मंडी में से निकलो तो फाटक बंद, बाड़ा रोड जाओ तो फाटक बंद। आज भादरा रोड पर पुल कंप्लीट है, आज मंडी से दड़ोली वाला पुल निर्माणाधीन है, और जो मंडी के अंदर अंडरपास बनना है वो जैसे दोनों की फंक्शनिंग शुरू होगी उसकी भी शुरुआत हम कर देंगे। आज 4 रेलवे फ्लाईओवर आपके यहाँ बन रहे हैं, लगभग 100 करोड़ की सड़कों का निर्माण हो गया, और 100 करोड़ का आने वाले समय में टेंडर है सड़कों का निर्माण और हम आदमपुर के अंदर कराने का काम करेंगे। ये तो परिस्थितियां ऐसी रही कि कोरोना की वजह से काम की गति में धराव धड़काव आया, मगर साथियों आज आपके हाथ में समय है, ये मौका है, सरकार में हिस्सेदारी डालो, इस गठबंधन को ताकत दो, 57 का 58 बनाने का काम करो, और मुमकिन जब भी होगा जब आगामी 3 तारीख को कमल का बटन दबाकर जेजेपी बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करो। साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आज आप सबने मिलकर ये निर्णय करना है। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग यहां आ रहे हैं प्रचार में, इसको जिता दो उसको जिता दो, इसको विधायक बना दो। मुझे एक चीज बताओ, 2 उपचुनाव हुए, एक कांग्रेस का साथी जीता, क्या हमारी सरकार हिली डिली? एक उपचुनाव हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल जीती, और उस समय लोगों ने कहा कि एक विधायक सरकार गिरा देगा। हैदराबाद के लोगों ने वहां एक बार कमी छोड़ दी। पर साथियों, मैं एक चीज आपको जरूर बोल सकता कि हमने मजबूती के साथ, ये गुप्ता जी खड़े, इनको याद है जब हम सरकार में गए भूपेंद्र हुड्डा जी क्या करते थे, 15 दिन में सरकार हिल जाएगी। उसके बाद कहा गया 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, साल में सरकार गिर जाएगी। आज उस चीज को 3 साल पूरे हो गए, और 3 साल के अंदर एक ही सोच से हमने काम आगे बढ़ाया, और वो सोच थी कि हरियाणा को प्रगति के पथ पर कैसे लाया जाए। मुझे याद है जब रमेश गोदारा जी आपके उम्मीदवार थे और चुनाव में मुझे आने का मौका मिला, मैं एक बात कहा करता था कि 75% युवाओं के लिए आरक्षण हरियाणा के रोजगार में लाने का काम करेंगे। बहुत से लोग कहा करते थे कैसे लाओगे,
कैसे ले आओगे? मुझे वो दिन याद है जब राजेंद्र लताड़ी जी निशान सिंह जी कहा करते थे कि चौधरी देवीलाल जब पेंशन की बात करते हैं तो बंसीलाल जी कहा करते हैं, मैं तो वकील हूं, पेंशन तो मैं बांध देता अगर ऐसे बंधती होती। मगर उस समय चौधरी देवीलाल जी ने कानून का स्वरूप उस पेंशन को दिया और आज वो पौधा बूढ़े बुजुर्ग की जेब में, अगर बूढ़ा बुढ़िया दोनों ले तो 5,000 रुपया महीने का फल के तौर पर ला के देने का काम करता है। साथियों 75% भी ऐसा पौधा है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री वाले घबरा कर कह देते हैं कि क्या होगा, हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे विकेट कर ले और आज हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करें। पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज जिस दिन वो कानून लागू होगा, मैं कांबरेल से आ रहा था, मिंडा जी का स्कूल है, मिंडा जी की 6 फैक्ट्रियां है गुड़गांव मानेसर के अंदर, आज हरियाणा के 20 बालक होंगे। मगर जिस दिन लागू होगा, अगर 1,000 एम्प्लॉई एक फैक्ट्री में है तो हर फैक्ट्री में 750 बच्चे अपने हरियाणा के होंगे। ये तो मिंडा जी को भी यहाँ ट्रेनिंग स्कूल खोलना पड़ेगा बालकों की तैयारी के लिए और यहाँ से युवाओं को तैयार कर अपने साथ ले जाना पड़ेगा। साथियों एक चीज आपको बताता हूं कि आज फैसलों को हकीकत बनाने के लिए हिम्मत लगती और हमने अलग अलग कदम उठाने का काम किया। मुझे याद है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात नैना चौटाला जी कहा करती थी तो बहुत से मीडिया के साथी बैठे, सर्वेश बैठा है, देशवाल जी बैठे हैं, इधर दीपक खड़ा है, ये पूछते थे कैसे लाओगे। और आज मैं पूछता हूं, पंचायती राज चुनाव की कल पोलिंग हुई, क्या जिला परिषद में 50% औरतें उम्मीदवार थी? और देख लेना 2 को रिजल्ट आएंगे, फिर 12 को रिजल्ट आएंगे, फिर 28 को आएंगे और 50% माताएं बहने सरपंच भी बनेगी, मेंबर भी बनेगी, ब्लॉक मेंबर भी बनेगी और जिला परिषद मेंबर के साथ साथ चेयरमैन भी बनने का काम करेगी। बुजुर्गों युवा साथियों ये बदलाव होगा और इस बदलाव की हिस्सेदारी मुमकिन होगी तो केवल मात्र आपके सहयोग और समर्थन से। और आप चाहते हो ऐसे ऐसे बदलाव आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिले, आप चाहते हो ऐसे कानून जो हमने 3 साल में लाने का काम किया और आगे मजबूती से लाने का काम करे, तो मैं कहूंगा मेरे भाई को, छोटे भाई को और मजबूती से जिताकर अपना नेतृत्व देने का काम करो। साथियों मैं एक चीज कह सकता हूं, आज कांग्रेस के लोग घूम रहे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, उनसे पूछने का काम तो करो, भारत तो जुड़ा हुआ है, अखंड है, आज हम भारत के अंदर एकता दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, पहले अपने कुटुंबे को तो जोड़ने का काम करो। कोई G29 बनाए बैठा है, प्रधानी के चुनाव के अंदर जो हुआ वो आपने सबने देखा। और एक चीज बोल सकता, लोग कहते 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, मैं 2013 के अंदर एक्टिव राजनीति में आया, आज 10 साल भी नहीं हुए, पर एक चीज कह सकता कि अब वो कांग्रेस 125 साल पुरानी नहीं, आज कांग्रेस थकी हुई है, आज कांग्रेस मरी हुई है और मौका है इस मरी हुई कांग्रेस को आखिरी जो कील कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, उस कील ने गाड़ दो आदमपुर के अंदर। ये मुमकिन जभी होगा जब आप लोग मजबूती के साथ अगले 72 घंटे पैरवी कर इस युवा का साथ देकर हमारे गठबंधन को और मजबूत करने का काम करोगे। मैं तो पूर्ण एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन धर्म को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करो।
भाई लड़ाई दो की है, तीसरा चौथा पांचवा तो सारे 5-7 हजार टोटल में ही रह लेंगे, उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब तो इस मार्जिन को बढ़ाओ और इस मार्जिन के अंदर अपना सहयोग और समर्थन और मेहनत के साथ इस गठबंधन के पक्ष में करने का काम करो। मैं तो एक चीज मेरे पत्रकार साथियों को जरूर बोलना चाहूंगा, आज 3 साल सरकार के अंदर हमने मजबूती के साथ बड़े बदलाव लेने की हिम्मत रखी। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ मगर गुप्ता जी मेरे को बारी बारी धन्यवाद करते हैं जब मैं कोई एविएशन की बात करता। मैं एक चीज बोल सकता हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एविएशन हब कोई बनेगा तो हमारे हिसार की पावन धरा पर हम बनाने का काम करेंगे। और तो और वहां से IRB की 3rd बटालियन रिलोकेट कर रही है। मैं तो बाल संबंध वालों को कहता हूं या गांव में टिब्बे वाली जमीन ही दे दो माने, वो IRB को कहीं और जिले के अंदर ले जाने की बजाय उस IRB की 3rd बटालियन को आपके बाल संबंध में स्थापित करा देते हैं। ये दो अवसर दो और लिया कर दोगा तो कराने का काम करूंगा। एक चीज याद करा देता हूं, मैं सांसद था, CM साहब उस समय अनाउंस करके कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज बना जाएगा। गर्ल्स कॉलेज के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही थी, कई लोग थे जो प्रयास कर रहे थे कि उस स्थान पर पंचायत की जमीन पर गर्ल्स कॉलेज ना बने। पर बताओ जिस दिन आपका बेटा आपका भाई सरकार में आया, क्या वो जमीन खाली नहीं कराएगी? क्या वहां गर्ल्स कॉलेज का निर्माण शुरू नहीं हुआ? साथियों ये जरूरी है और आज ये कदम मुमकिन जभी है जब आप देशों का साथ प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा। और मैं तो कहता हूं आज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी का गठबंधन 1 और 1/11 वाली ताकत है और इस 1 और 1/11 की ताकत को और मजबूती से आगे ले जाकर और ताकत देने का काम करो और 3 तारीख को बड़ी ताकत के साथ हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करो। मैं तो पूर्ण आप सब यहाँ आए, आपने भव्य को अपना प्यार आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता और यही उम्मीद करता हूँ कि आगामी 3 तारीख को गठबंधन नवन धर्म निभाकर एक एक साथी भारतीय जनता पार्टी का भी और खास तौर पर जननायक जनता पार्टी का भी अपनी ताकत भी दिखाएगा और अपना एक एक वोट मजबूती के साथ इस गठबंधन के पक्ष में डालने का काम करेगा। आप सब आए, आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बाल समझ गांव की इस पावन धरा पर मौजूद मेरे साथ हरियाणा सरकार में शहरी निकाय मंत्री आदरणीय कमल गुप्ता जी, जननायक दुख के साथी निरंतर आपके बीच में रहने वाले चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप धानक जी, हमारे बीच में मौजूद आपके भावी विधायक भाई भव्य जी, पार्टी के संगठन के सचिव राजेंद्र लेताड़ी जी, हमारे माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहसिन चौधरी जी, बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष भाई कृष्ण गंगवा जी, आपके जिला के अध्यक्ष भाई रणधीर पनियार जी, रमेश गोदारा जी, मास्टर ताराचंद जी, भाई शिव कुमार जी, सेल्फ जी, हमारे अलका अध्यक्ष
मास्टर भीम जी मंच पर बैठे, दोनों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और बाल संबंध की इस पावन धरा पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, मैं तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि निरंतर इस उपचुनाव को पहले दिन से लेकर आज तक गठबंधन के तौर पर आप सभी ने पूरी मेहनत के साथ संभालने का काम किया और अब तो 72-78 घंटा बाकी है और अगले 72-78 घंटे में जीत को जो आपनो मार दे है भी ने कितनो बढ़ाओ जो रहा है वो भरपूर रहा, चाहे 1972 के अंदर आज से 50 साल पहले चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी आमने सामने लड़े, मगर उस दौरान से लेकर राजनीतिक दूरियां जरूर रही, मगर आप सब ने अपने जोश जब स्वर्ग लड़े थे और हिसार लोकसभा के उस समय भिवाणी लोकसभा का पार्ट आदमपुर था, वो भी एक स्वर्णिम दौर है कि एक तरफा बहुमत से आपने आदमपुर की सीट डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी को जिताकर देने लगा। कुलदीप जी के विरुद्ध में मैं लड़ा तो भी आदमपुर के अंदर कभी ऐसे मतभेद देखने को नहीं मिले जिसने राजनीतिक गहराइयां बढ़ाने का काम। साथियों, मुझे वो दिन भी याद है 2019 का, जब विजेंद्र सिंह जी हिसार लोकसभा से सांसद बने, जननायक जनता पार्टी बड़ी बनी थी, मैं दूसरे नंबर पर रहा और काउंटिंग के अंदर भव्य वहां साथ था, वो तीसरे पर रहा, मगर समय बड़ा बलवान होता है। विजेंद्र जी लोकसभा में गए, उचाणा के लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा, आज मैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी सेवा कर रहा हूं और भव्य को आज ये मौका मिल रहा है कि ये आपका उम्मीदवार बनकर विधानसभा में आदमपुर का नेतृत्व करने का काम है। साथियों, इस मौके को आपने आगे लेकर चलना है और इस मौके को जब भी हम आगे लेकर जा पाएंगे जब इस गठबंधन को मजबूती के साथ आदमपुर से जिताने का काम है। साथियों, पिछले 3 सालों के अंदर निरंतर बड़े उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले सरकार के तौर पर, कोरोना जैसी महामारी आई जिसने कई कई देशों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। महाराष्ट्र में तो यह हालत थी कि हजारों मौतें दिन प्रतिदिन हो रही थी, पर हरियाणा सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ प्रदेश की कमान को संभाला, उस व्यवस्था को बनाया और उस कोरोना महामारी से चाहे पहले दौर की थी, दूसरे दौर की थी, तीसरे दौर की थी, हरियाणा को बर्बाद नहीं, हरियाणा को प्रगति के पथ पर लाकर आबाद करने का काम किया। आज उसका नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 1 साल में 30,000 करोड़ का हमने नया निवेश लाने का काम किया। मारुति जैसा
10,000 गाड़ियां बनाने का पहला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट अगर कहीं स्थापित हुआ तो हरियाणा प्रदेश की खरखोदा की धरा पर हमने लाने का। और ये प्रयास रुक नहीं रहा। अभी पिछले दिनों हमारी कैबिनेट ने पद्मा योजना को हरी झंडी दिखाई। आज गांव लेवल पर 25, 50, 100 एकड़ का अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर या पंचायत के तौर पर हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहे तो फिर 60 से लेकर 85% तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट सरकार दे। ये रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोग तो हमें कोसते रहते हैं, किसान आंदोलन से बुरा वक्त तो नहीं देखा होगा। राजनीतिक तौर पर हर रोज ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे आरोप लगाते थे, पता नहीं किसानी के लिए हमने आज तक एक कदम नहीं उठाया। साथियों, मैं परसों रिव्यू लेके आया, हमने जीरी की, बाजरे की, दालों की और एक तारीख से तो कल से मूंगफली की खरीद हरियाणा प्रदेश में शुरू कर रखी। कोई आज से पहले मंच से खड़ा होकर कहता था कि हमने इतना पैसा किसान के खाते में भेज दिया, आज मैं गर्व से कह सकता हूं 2 साल हो गए मंडियों में पीपे पीटे हमारे खिलाफ कि किसान के खाते में पैसा न दो, आड़ती खत्म हो जाएंगे। हमने किसान को पैसा देना शुरू किया और जब किसान के खाते में पैसा गया तब किसान को असली लाभ उसका मिला। मैं अगर बालसमंद की बात करूं तो मैं कल आंकड़ा निकाल रहा था कि बालसमंद में ऐसे कौन कौन से किसान है जिसको लाभ मिला। और हैरानी की बात है, हमारे मनोज गोयल पुत्र प्रयाग गोयल ये 10 दिन पहले बाजरा मंडी में लेके गए 57 टन और इनके खाते में हरियाणा सरकार ने अगले दिन 1,05,700 रुपया ट्रांसफर कर दिया था। आपके गांव का वीरेंद्र सनफ रामचंद्र ये चना लेके आया पिछली फसल में 3,09,000 रुपया इसके खाते में ट्रांसफर हुआ, चेक करवा लेना। आपके गांव का महेंद्र सनफ दयानंद मूंग लेके आया 1,82,000 रुपया उसके खाते में। और तो और धर्मवीर का हस्तेंद्र और जगत का श्रवण ये गेहूं लेके आए और इनके खाते में 6,00,000 रुपए हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर करने का काम किया। बुजुर्गो युवा साथियों, छोटा नहीं होता 6,00,000 रुपए गरीब आदमी के खाते में एक साथ आना। पहले तो 1 महीने DFSC पर्ची नहीं काटता था, अगर पर्ची कट जाती थी तो आड़ती कहता था आज देने को नहीं है, और उसको 6 लाख के बदले कोई 2 लाख देता था, 1.5 लाख देता था, 3-3, 4-4 चक्कर लगवा कर उसके खाते के अंदर पैसे डलवाने का काम करता। इसी तरीके से अगर फसल खराब होता था तो मुआवजे की मांग लेकर किसके पास जाओ, और बाल समुद्र वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कितना लंबा धरना बाल संबंध में चला, टेढ़ी चौपटा चला। मेरी आपकी सरकार की सोच थी, जहां पटवारियों की कमी थी उसका नुकसान किसान को ना हो जाए हमारी सरकार ने निर्णय लिया। और कोई बोलता हो कि हमारा मुआवजा नहीं आया, ये रहा आपके नायब तहसीलदार के खाते में 29,66,00,000 रुपया हरियाणा सरकार ने भेजने का काम। ये तो मजबूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ कि किसान के खाते में आज पैसा नहीं भेजा जाता। पर ये तो 6 तारीख की बात है, 7 तारीख को आपके खाते में पूरा पैसा भी हम भिजवाने का काम करेंगे। साथियों, आज विकास की बात करें
आदमपुर के चारों ओर बड़ी समस्या रहती थी कि अगर गडोली रोड जाओ तो फाटक बंद, अगर मंडी में से निकलो तो फाटक बंद, बाड़ा रोड जाओ तो फाटक बंद। आज भादरा रोड पर पुल कंप्लीट है, आज मंडी से गडोली वाला पुल निर्माणाधीन है, और जो मंडी के अंदर अंडरपास बनना है वो जैसे दोनों की फंक्शनिंग शुरू होगी उसकी भी शुरुआत हम कर देंगे। आज 4 रेलवे फ्लाईओवर आपके यहाँ बन रहे हैं, लगभग 100 करोड़ की सड़कों का निर्माण हो गया, और 100 करोड़ का आने वाले समय में टेंडर है सड़कों का निर्माण और हम आदमपुर के अंदर कराने का काम करेंगे। ये तो परिस्थितियां ऐसी रही कि कोरोना की वजह से काम की गति में दिराव धड़काव आया, मगर साथियों आज आपके हाथ में समय है, ये मौका है, सरकार में हिस्सेदारी डालो, इस गठबंधन को ताकत दो, 57 का 58 बनाने का काम करो, और मुमकिन जब भी होगा जगह आगामी 3 तारीख को कमल का बटन दबाकर जेजेपी बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करो। साथियों मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आज आप सबने मिलकर ये निर्णय करना है। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग यहां आ रहे हैं प्रचार में, इसको जिता दो उसको जिता दो, इसको विधायक बना दो। मुझे एक चीज बताओ, 2 चुनाव हुए, एक कांग्रेस का साथी जीता, क्या हमारी सरकार हिली डिली? एक उपचुनाव हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल जीती, और उस समय लोगों ने कहा कि एक विधायक सरकार गिरा देगा। हैदराबाद के लोगों ने वहां एक बार कमी छोड़ दी। पर साथियों मैं एक चीज आपको जरूर बोल सकता कि हमने मजबूती के साथ, ये गुप्ता जी खड़े, इनको याद है जब हम सरकार में गए भूपेंद्र हुड्डा जी क्या करते थे, 15 दिन में सरकार हिल जाएगी। उसके बाद कहा गया 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, साल में सरकार गिर जाएगी। आज उस चीज को 3 साल पूरे हो गए, और 3 साल के अंदर एक ही सोच से हमने काम आगे बढ़ाया, और वो सोच थी कि हरियाणा को प्रगति के पथ पर कैसे लाया जाए। मुझे याद है जब रमेश गोदारा जी आपके उम्मीदवार थे और चुनाव में मुझे आने का मौका मिला, मैं एक बात कहा करता था कि 75% युवाओं के लिए आरक्षण हरियाणा के रोजगार में लाने का काम करेंगे। बहुत से लोग कहा करते थे कैसे लाओगे कैसे लाओगे। मुझे वो दिन याद है जब राजेंद्र लतानी जी, निशांत सिंह जी कहा करते थे कि चौधरी देवीलाल जब पेंशन की बात करते हैं तो बंसीलाल जी कहा करते हैं, मैं तो वकील हूं, पेंशन तो मैं बांध देता अगर ऐसे बंदती होती। मगर उस समय चौधरी देवीलाल जी ने कानून का स्वरूप उस पेंशन को दिया, और आज वो पौधा बूढ़े बुजुर्ग की जेब में अगर बूढ़ा बुढ़िया दोनों ले तो 5,000 रुपया महीने का फल के तौर पर लाकर देने का काम करता है। साथियों 75% भी ऐसा पौधा है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री वाले घबरा कर कह देते हैं कि क्या होगा, हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे विकेट कर ले, और आज हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे। पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज जिस दिन वो कानून लागू होगा, मैं कांबरेल से आ रहा था, मिंडा जी का स्कूल है, मिंडा जी की 6 फैक्ट्रियां है गुड़गांव मानेसर के अंदर, आज हरियाणा के 20 बालक होंगे,
मगर जिस दिन लागू होगा, अगर 1000 इम्प्लॉई एक फैक्ट्री में है तो हर फैक्ट्री में 750 बच्चे अपने हरियाणा के होंगे। ये तो बिंदा जी को भी यहाँ ट्रेनिंग स्कूल खोलना पड़ेगा बालकों की तैयारी के लिए, और यहाँ से युवाओं को तैयार कर अपने साथ ले जाना पड़ेगा। साथियों, एक चीज आपको बताता हूं कि आज फैसलों को हकीकत बनाने के लिए हिम्मत लगती, और हमने अलग अलग कदम उठाने का काम किया। मुझे याद है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात नैना चौटाला जी कहा करती थी, तो बहुत से मीडिया के साथी बैठे, सर्वेश बैठा है, देशवाल जी बैठे हैं, इधर दीपक खड़ा है, ये पूछते थे कैसे लाओगे। और आज मैं पूछता हूँ, पंचायती राज चुनाव की कल पोलिंग हुई, क्या जिला परिषद में 50% औरतें उम्मीदवार थी? और देख लेना, 2 को रिजल्ट आएंगे, फिर 12 को रिजल्ट आएंगे, फिर 28 को आएंगे, और 50% माताएं बहने सरपंच भी बनेगी, मेंबर भी बनेगी, ब्लॉक मेंबर भी बनेगी, और जिला परिषद मेंबर के साथ साथ चेयरमैन भी बनने का काम करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये बदलाव होगा, और इस बदलाव की हिस्सेदारी मुमकिन होगी तो केवल मात्र आपके सहयोग और समर्थन से। और आप चाहते हो ऐसे ऐसे बदलाव आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिले। आप चाहते हो ऐसे कानून जो हमने 3 साल में लाने का काम किया और आगे मजबूती से लाने का काम करे, तो मैं कहूंगा मेरे भाई को, छोटे भाई को और मजबूती से जिता कर अपना नेतृत्व देने का काम करो। साथियों, मैं एक चीज कह सकता हूं, आज कांग्रेस के लोग घूम रहे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, उनसे पूछने का काम तो करो, भारत तो जुड़ा हुआ है, अखंड है, आज हम भारत के अंदर एकता दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, पहले अपने कुटुंब को तो जोड़ने का काम करो। कोई G29 बनाए बैठा है, प्रधानी के चुनाव के अंदर जो हुआ वो आपने सबने देखा। और एक चीज बोल सकता हूं, लोग कहते हैं 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, मैं 2013 के अंदर एक्टिव राजनीति में आया, आज 10 साल भी नहीं हुए, पर एक चीज कह सकता कि अब वो कांग्रेस 125 साल पुरानी नहीं, आज कांग्रेस थकी हुई है, आज कांग्रेस मरी हुई है, और मौका है इस मरी हुई कांग्रेस को आखिरी जो कील कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, उस कील ने गाड़ दो आदमपुर के अंदर। ये मुमकिन जभी होगा जब आप लोग मजबूती के साथ अगले 72 घंटे पैरवी कर इस युवा का साथ देकर हमारे गठबंधन को और मजबूत करने का काम करोगे। मैं तो पूर्ण एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन धर्म को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करो। भाई, लड़ाई 2 की है, 3रा चौथा 5वां तो 5,500 टोटल में ही रह लेंगे, उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब तो इस मार्जिन को बढ़ाओ और इस मार्जिन के अंदर अपना सहयोग और समर्थन और मेहनत के साथ इस गठबंधन के पक्ष में करने का काम करो। मैं तो एक चीज मेरे पत्रकार साथियों को जरूर बोलना चाहूंगा, आज 3 साल सरकार के अंदर हमने मजबूती के साथ बड़े बदलाव लेने की हिम्मत रखी। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, मगर गुप्ता जी मेरे को बारी बारी धन्यवाद करते हैं जब मैं कोई एविएशन की बात करता हूं। मैं एक चीज बोल सकता हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एविएशन हब कोई बनेगा तो हमारे हिसार की पावन धरा पर हम बनाने का काम करेंगे। और तो और, वहां से IRB की 3rd बटालियन रिलोकेट कर रही है। मैं तो बाल संबंध वालों को कहता हूं, या गांव में टिब्बे वाली जमीन ही दे दो, माने वो IRB को कहीं और जिले के अंदर ले जाने की बजाय उस IRB की 3rd बटालियन को आपके बाल संबंध में स्थापित करा देते।
ये ले आओ, अब सर दो और ला कर दोगा तो कराने का काम करूंगा। एक चीज याद करा देता हूं, मैं सांसद था, सीएम साहब उस समय अनाउंस करके कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज बना जाएगा। गर्ल्स कॉलेज के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही थी, कई लोग थे जो प्रयास कर रहे थे कि उस स्थान पर पंचायत की जमीन पर गर्ल्स कॉलेज ना बने। पर बताओ, जिस दिन आपका बेटा आपका भाई सरकार में आया, क्या वो जमीन खाली नहीं कराई गई? क्या वहां गर्ल्स कॉलेज का निर्माण शुरू नहीं हुआ? साथियों, ये जरूरी है और आज ये कदम मुमकिन जभी है जब आप देशों का साथ प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा। और मैं तो कहता हूं, आज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी का गठबंधन एक और एक ग्यारह वाली ताकत है, और इस एक और एक ग्यारह की ताकत को और मजबूती से आगे ले जाकर और ताकत देने का काम करो। और 3 तारीख को बड़ी ताकत के साथ हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करो। मैं तो पूर्ण आप सब यहाँ आए, आपने भव्य को अपना प्यार आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता और यही उम्मीद करता हूँ कि आगामी 3 तारीख को गठबंधन नवन धर्म निभाकर एक एक साथी भारतीय जनता पार्टी का भी और खास तौर पर जननायक जनता पार्टी का भी अपनी ताकत भी दिखाएगा और अपना एक एक वोट मजबूती के साथ इस गठबंधन के पक्ष में डालने का काम करेगा। आप सब आए, आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।